Section 130. Production of title deeds of witness not a party. Section 130 ऐसे witness के special right को बताती है जो उस केस के दोनों पार्टीज का कोई मेंबर नहीं है, दोनों पार्टीज में से नहीं है, कोई अदर पर्सन है. और वो जब व्यक्ति कोर्ट में एज ए विटनेस आता है तो उसके क्या स्पेशल राइट्स होते हैं, ये सेक्शन 130 उन राइट्स को एक्सप्लेन करती है और उन कंडीशंस को बताती है. नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स टू एनी प्रॉपर्टी और एनी डॉक्यूमेंट इन वर्च्यू ऑफ विच ही होल्ड्स अ प्रॉपर्टी एज प्लैगजी और मॉर्टगेजी और एनी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ विच माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम अनलेस ही हैज एग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस देम विद द पर्सन सीकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच डीड्स और सम पर्सन थ्रू होम ही क्लेम्स. ये सेक्शन बताती है कि कोई भी विटनेस जो वाद का पक्षकार नहीं है, जो केस की पार्टीज में से नहीं है, किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों को यानी अपनी प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स को या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जिन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो गिरवीदार है, प्लेजी है या बंधकदार या मॉर्टगेजी के रूप में है, कोई प्रॉपर्टी को लिए हुए है या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर उस डॉक्यूमेंट को वो कोर्ट में पेश कर देता है तो किसी अपराध में फंस जाएगा, उसे पेश करने के लिए कोर्ट द्वारा कंपेल नहीं किया जा सकता. तीन बातों के लिए कोर्ट में ऐसे विटनेस को कंपेल नहीं किया जा सकता है. पहला, ऐसी टाइटल डीड्स जो उसे प्रॉपर्टी में राइट देती है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उसे गिरवीदार या बंधकदार के रूप में कोई संपत्ति दिए हुए हैं, या ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको अगर वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा तो वह अपराध में फंस जाएगा. केवल एक ही स्थिति में वो व्यक्ति मजबूर किया जा सकता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए, जब वह व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति ऐसे दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करना चाहता है उसके साथ लिखित में करार कर ले कि मैं ऐसे डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार हूँ, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ रिटन एग्रीमेंट कर ले जिनके थ्रू वो उस प्रॉपर्टी में अपना ऐसा राइट पाता है. आई थिंक दिस सेक्शन इज़ क्लियर.